गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग टेम्पोररी इफेक्ट देखेंगे। टेम्पोररी इफेक्ट में सबसे पहला पढ़ना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? एक टेम्पोररी इफेक्ट है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड विच कंटेन्स विच कंटेन्स कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सोज दिस टाइप ऑफ इफेक्ट दिस टाइप ऑफ इफेक्ट। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वही शो करता है इस टाइप का इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? देखिए, सोच दिस टाइप ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इन दिस केस अकर्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय मल्टीपुल बॉन्ड। ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्या कहता है? इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शोज दिस टाइप ऑफ इफेक्ट। इन दिस केस अकर्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय मल्टीपुल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ठीक है और इन दिस केस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन shown by curved arrow कैसा ऐसा होगा ठीक है curved arrow से करते हैं क्या है इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेंस मल्टीपुल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यही हुआ सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इन दिस केस अकर्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंट बाय मल्टीपुल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट There are two types of electromeric effect. There are two types of electromeric effect. पहला होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ठीक है तो ये हो गया इसको लिखिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग फिर पढ़ेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसमें होता है क्या देखिए क्या कहता है इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेंस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या कहता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है कहता है This type effects in this case occur complete transfer of shared pair of electron one of the atom joined by multiple bond on the demand of attacking reagent. मान लीजिए अब attacking reagent मेरा H plus है तो H plus के तरफ ये move कर जाएगा ठीक है तो ये effect कहलाएगा क्या कहलाएगा ये टेम्पररी फेज है ठीक है ये इफेक्ट कहलाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ई इफेक्ट ठीक है तो देखते हैं क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो करते हैं इस तरह से कर्व एरो से दिखाया जाता है सब चीज़ वही ठीक है इसका लीजिए स्क्रीनशॉट देखिए कहता है इन दिस केस पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपुल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट अटैच्ड देखिए पाई बॉन्ड मान लीजिए इथीन है ठीक है इथीन है एच प्लस दे दिए अटैकिंग रिएजेंट ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट ठीक है ये हो गया सबस्ट्रेट का पाई बॉन्ड अटैक करेगा उस तरफ
जिधर कि ये अटैच होगा, ठीक है, यानी इस कार्बन पे अटैच होगा, ये क्या बनेगा, CH प्लस इस पर डेवलप हो गया और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसको कहेंगे ये टेम्पररी है, फिर तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो ये हो गया आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेडिक इफेक्ट। दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट देखिए क्या होता है, ठीक है, कहता है इन दिस केस पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपुल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट नॉट अटैच्ड। पाई बॉन्ड उधर ट्रांसफर हो जाएगा जिधर की नहीं अटैच होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए अब यहाँ लेते हैं, मान लीजिए इथीन ले लिए। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट है, ये जो है ये इधर मूव करेगा तो, लेकिन ये कहाँ जाएगा, इस पर अटैक कर देगा, ये यहाँ अटैच होगा। तो किधर हो गया, यहाँ पर देखिए इस पर जुड़ गया क्या चीज़, CN, और इस पर जुड़ गया माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल फिर से अटैक करेगा इस पर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं दोनों मिला करके, काहे कोई एक, ये तो टेम्पररी इफेक्ट है ना, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। जब भी होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों अटैक होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एसीटल्डिहाइड CH3C OH + HCN, ठीक है, HCN है। तो यहाँ पर क्या होता है समझिए, यहाँ पर ये इधर मूव किया, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस डेवलप हो गया, ठीक है। जैसे ये इधर मूव करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये CN अटैक कहाँ कर देगा, इस पर, और तब फिर ये O माइनस इसे बना, इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, देखिए CH3CN इधर हो गया O माइनस, इधर हो गया H, और यहाँ पर क्या बचा, H प्लस बचा। मान लीजिए तोड़ दिए तो ये टूट गया H प्लस और CN माइनस, ये टूटता नहीं है, डेल्टा प्लस के टर्म में रखिए, ये अटैक हुआ। अब ये जो डेल्टा प्लस डेवलप है इस पर ये अटैक कर देगा, तो दोनों केस हो रहा है।
किसी में भी जब भी होगा ये क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। ओ एच बना, एच बना, सी एन बना, ठीक है। इस टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसका जो यूज होता है रिएक्शन लिखने के दौरान टेम्पोररी फेज के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट ये नहीं है। तो यही है टेम्पोररी इफेक्ट। इसका हम लोग जैसे करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड ग्रुप, उसमें ये इसका आएगा। HCN के साथ एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होगा, उसमें ये केस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टेम्पोररी इफेक्ट, इस तरह से हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अब देख लिए। अब हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का देखेंगे कार्बो के टाइम पे क्या स्टेबिलिटी है, कार्बो एनायन पर क्या इफेक्ट पड़ा, सब के सब मिला करके कार्बन फ्री रेडिकल पर क्या इफेक्ट पड़ा, एसिड नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ा, बेसिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो सब इम्पोर्टेंट है। सब इफेक्ट का, चारों इफेक्ट का कौन कौन पड़े, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सब इफेक्ट का हम ऐड करके सब मिला करके देखेंगे कैसे इफेक्ट पड़ता है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर, कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी पर, कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी पर, और ये सब के स्टेबिलिटी पर हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे। एसिड नेचर, बेसिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो जो न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा। जो ओल्ड व्यूअर हैं, जो पहले से सब्सक्राइब्ड हैं, किए हुए हैं, वो लाइक और कमेंट जरूर लिखा करें। थैंक यू।